नमस्ते देवियों सज्जनों, आई होप ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म हो जाए और जिंदगी हमारे फिर से पुराने पटरी पर चलने लगे, दौड़ने लगे। बट भाई साहब, ऐसा लग नहीं रहा है कि टाइम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। खैर, आज की जो वीडियो है वो है वेंसडे की वर्कआउट, मंडे की, ट्यूसडे की मैंने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक है नीचे, पिछली बार मैं लिंक डालना भूल गया था, इस बार मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। तो इसी 21 दिनों के लिए मैं आप लोगों के लिए फिर से वर्कआउट सीरीज बना के लाया हूँ, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। यहाँ पे टायर्स और लव हैंडल्स की वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग वेंस डे को। तो यहाँ पे मैंने बताया है 5 वर्कआउट। अब कुछ रूल बता दूँ इस वर्कआउट को परफॉर्म करने में, जो कि है आपको हर वर्कआउट को 3 सेट करने हैं। मैं हर बार बता चुका हूँ, फिर भी ये बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन बिल्कुल भी न रहे। तो 20-20 के आपको 3 सेट लगाने, मैं केवल 1 सेट ही करके दिखाया हूँ। हर वर्कआउट में 5 वर्कआउट बताई गई है। तो सिंपल फंडा है, 5 वर्कआउट है, 3 सेट लगाने हैं, लगभग 40 मिनट्स आपको लगेंगे ये पूरी वर्कआउट परफॉर्म करने में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कितने दिन में साइड पैट लव हैंडल्स चले जाएंगे, ये डिपेंड करता है यार आपकी बॉडी में पहले से बॉडी फैट कितना रहा है, आपकी डाइट कैसी रही है और आप कितना वर्कआउट पहले करते थे, आप करते हो नहीं करते हो, हर फैक्टर डिपेंड करता है आपको रिजल्ट्स पाने में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे अच्छी डाइट के साथ परफॉर्म करते हो। तो डाइट में क्या खानी है क्या नहीं खानी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दूंगा। अगर आप मुझे फॉलो करके DM करोगे सर मुझे डाइट चार्ट चाहिए, तो आपको वेट लॉस के लिए मैं यहाँ से डाइट चार्ट परफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कई भी पैसे इसके नहीं लगने हैं। चलिए बात कम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 5 वर्कआउट फॉर लव हैंडल्स। तो जो अब पहली वर्कआउट है वो है साइड बेंड। इसको आसन के नाम बोले तो अर्धचंद्र आसन भी बोलते हैं, बट थोड़ा उसका पॉस्चर अलग है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 20-20 के 3 सेट, बट मैं करके दिखाऊंगा केवल 1 सेट ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो यहाँ पे मैं केवल 1 सेट करके दिखाऊंगा, आपको करने हैं 3 सेट। तो ये हर वर्कआउट में ऐसे ही होने वाला है। पहला वर्कआउट है साइड बेंड, कैसे करना है 1 2 3। अब यहाँ पे हाथ में इसलिए रखा होता कि मैं यहाँ पे स्ट्रेचिंग फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सही बेंड हो रहा हूँ, नहीं मेरा केवल हाथ तो ही नहीं जा रहा है जहाँ मुझे जोर देना, यानी कि लव हैंडल्स यानी कि टायर्स पे, उस पे टेंशन क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हाथ लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है और टेक्निक सही है कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली वर्कआउट। वर्कआउट कंप्लीट। अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है वो है साइड ट्विस्ट, कमर पे हाथ, देन 1 2। आपको साइड वाइज पैर क्रॉस करने हैं दूसरे पैर पे। यहां पे करेंगे हम लोग 20-20 के 3 सेट, मैं करूंगा केवल 1 सेट।
ये कंप्लीट हुई हमारी दूसरी वर्कआउट। अब जो हमारी तीसरी वर्कआउट है वो है साइड बेंड। ये ईट है, मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप ईट को पैक करके बना सकते हो। मेरी मंडे वाली वर्कआउट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर हम लोग करेंगे 20 सेट से 3 सेट लगाएंगे, मैं करूँगा केवल 1, आप परफॉर्म करोगे 3। ये है हमारी थर्ड वर्कआउट। हमारी चौथी वर्कआउट है वो है साइड लेग रेजेस। ये भी हमारे लवेंडर्स को ट्रेन करते हैं, जिसकी भी आपको 3 सेट करने हैं, मैं करके दिखाऊंगा। एक सेट आप करोगे कितना? अरे बोलो भाई कितना? हाँ 3 सेट परफॉर्म करो, मैंने सुना अभी आपने बोला कि 3 सेट करना है, तो 20-20 के 3 सेट स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेट यानी कि फोर्थ वर्कआउट। बॉडी स्ट्रेट, आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ये कंफर्टेबल रहेगा। गर्दन सामने देन हाथ यहाँ पे कर लो, चाहे इसको हाथ टच करने का मार्ग भी बना सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो ऐसे हाथ रख लो, पैर टच यहाँ पे नहीं होगा, पैर हमेशा हमारा 30 डिग्री पे उठा रहेगा। गर्दन सामने, बॉडी स्ट्रेट, देन तो भाई खराब होगी। तो ये हुआ हमारा चौथा वर्कआउट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें और अंतिम और टफेस्ट वर्कआउट की ओर। अब जो ये वाली वर्कआउट है, ये वन ऑफ द बेस्ट बोलो, वन ऑफ द टफेस्ट बोलो, हर मायने में ये टफ है, बट ट्राई तो करना पड़ेगा, बिना ट्राई किए रिजल्ट तो मिलेगा भाई ने। और डाइट बहुत मैटर करती है, तो डाइट के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर मुझे डाइट चार्ट चाहिए वेट लॉस और फैट लॉस के लिए, आपको वो भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका चार्जेस नहीं है, कोई बंदा ऐसा करता नहीं ऐसी बात, एक लाइक कर दो। अब जैसे पुशअप करते हो वैसे करने हैं, 3 सेट लगाने हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं करूँगा केवल 1 सेट। नाउ 1 2। अब ये करने का सिंपल फंडा है आपका साइड टायर्स पे आपका इम्पैक्ट पड़े, जोर पड़े, तो 10 इस साइड से यानी कि 20 टाइम्स हम लोगों को ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है, जो कि होने वाली है हमारी लास्ट और अंतिम वर्कआउट, जो कि है बेंच डे की। चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। 1 2
कुछ लोग ब्रीदिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सांस कैसे लेनी है, ब्रीथ कैसे करनी है। तो सिंपल है, जब भी हम वर्कआउट करो नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है, ताकि आपके फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके और ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सको। तो क्या करना है, फिर से बोल दे रहा हूँ, नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। ये आपको हर वर्कआउट में सिंपल फंडा ध्यान रखना है। हालत हो गई भाई सब खराब। तो ये थी टॉप 5 वर्कआउट फॉर योर लव हैंडल्स, योर साइड फैट, योर टायर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। मन में कोई सवाल हो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मुझसे ले सकते हो। इस टाइम पे डाइट फॉलो करना भाई साहब बहुत मुश्किल है, दुकान सारे बंद हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योग रत्नम, योर फ्रेंड, योर कलीग, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।